बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी शराहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौल। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी आज इस लेक्चर में बच्चे हम लोग प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो लेटेस्ट लेक्चर था वो यकीनन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है। जी बच्चे, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट जिसको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, वो अपना माइक ऑन करके और उस पॉइंट को जो है वो रेज कर सकता है। बेटे मुझे बताएं कि इस लेक्चर में कोई चीज़ आपने जो है वो आपको मुश्किल लगी हो, अंडरस्टैंड ना कर सके हो आप। जी बेटा, मुझे मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, कंफर्म कीजिएगा। यस जी सर, सर, यस सर आ रही है। ओके बेटे, ओके। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इस लेक्चर का देता हूँ और देन फिर आप इसमें से कोई भी पॉइंट आप रेज कर सकते हैं। सर, जी तहरीम बेटे, लास्ट लेक्चर जो आपने सेंड किया था, हाँ जी जी सर, जो लास्ट लेक्चर आपने सेंड किया था वो तो क्वेश्चन थे ना। ऑलमोस्ट है। जी, क्वेश्चन है बल्कि ये आज वाला लेक्चर है जो आपको मैंने अभी सेंड करना है बेटे। ठीक हो गया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जी सर, उस लेक्चर को जो है ना वो शो करता हूँ स्क्रीन पे बेटे। जी यकीनन यही वाला वो बेटे लेक्चर था। जी सर, हाँ जी बेटे, इसमें बेटे कुछ इस तरह से था कि हमें जो एंगल था ना वो सिंपल नहीं था, मल्टीपल की फॉर्म में था। मतलब मल्टीपल ऑफ इंटीजर आप लगा ले, 5 थीटा, 7 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इस तरह की फॉर्म। और हमारा टारगेट जो था इसमें बेटे, इसको ट्रांसफॉर्म करना था इस अंदाज से कि जो थीटा है उसका मल्टीपल 1 हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर जिस तरह की मर्जी इंक्रीज हो उससे कोई मतलब गर्ज नहीं है। जस्ट हमने इसमें टारगेट ये था कि ये जो 5 थीटा है ना, इसको सिंपल थीटा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये कॉस रेज टू पावर 5 सिंपल थीटा आ गया, इधर कॉस क्यूब के साथ भी सिंपल थीटा और सिंपल कॉस थीटा भी आ गया। तो इसमें हर फंक्शन के लिए हमारा टारगेट यही होना है। तो उसके लिए बटे करना क्या था, हमने डिमोवस थ्योरम की मदद से हमने सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर हमने लेनी है जितना भी मल्टीपल ऑफ थीटा होगा, 5 हो, 7 हो, 3 हो। तो यहाँ पे 5 था चूंकि, तो हमने उसकी पावर 5 ले ली, और डिमोवस थ्योरम की मदद से बेटे ये 5 जो है ये एंगल के साथ आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई। अब नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट काम इसमें है कि आपने ये जो राइट हैंड साइड है इसकी जो बाइनोमियल की पावर बन रही है, बाइनोमियल मीन टू टर्म्स जो है, नॉमियल सिंगल टर्म होती है और बाइनोमियल टू टर्म, इसी तरह ट्राइनोमियल और सो ऑन। ये जो पावर 5 है बेटे, किसी भी ए प्लस बी की पावर 5 जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर होती है, जैसे ये फर्स्ट टर्म कॉस थीटा था तो इसकी ये मैक्सिमम पावर होगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 0 होगी। बल्कि इसको अगर मैं आपको सिंपल ए और बी की फॉर्म में लिख के दूं तो वो ज़्यादा आसान होगा। जैसे देखिएगा, अगर आपके पास बेटे ए प्लस बी रेज टू पावर आप एन लगा लें, तो दिस वन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर 0, और इसके साथ जो इसका कॉफिशेंट आना है वो एन कम्बिनेशन 0 आएगा, एन कम्बिनेशन 0। इसी तरह बेटे फिर प्लस सेकंड टर्म जो होगी वो बनेगी एन कम्बिनेशन 1, और ए की पावर एक कम कर देंगे वो एन माइनस 1 होगी, और जो बी है उसकी पावर बेटे एक बढ़ा देंगे। फिर इसी तरह जो थर्ड टर्म होगी उसमें एन कम्बिनेशन 2 आ जाएगा, और उसमें ए की पावर एक और कम हो जाएगी एन माइनस 2, और बी की पावर एक और बढ़ा देंगे वो स्केयर, एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट पे एन कम्बिनेशन एन आएगा और उसमें ए की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि एन माइनस एन वो जैसे ही पहले एन के साथ यहाँ पे माइनस 1 था, फिर माइनस 2, सो ऑन चलते चलते एन माइनस एन आ जाएगा।
और बी की पावर मैक्सिमम आ जाएगी स्मॉल एन। जस्ट अ मिनट बेटे वेट कीजिएगा। किसी ने सर से मिड का पूछा या नहीं? नहीं पूछा। पूछते हैं अभी और सिलेबस भी कंफर्म करते हैं। माशाल्लाह। हाँ ठीक है सर, आते हैं तो फिर बात करते हैं। जी यार, एग्जाम्स का भी पूछना से के कब होने और कैसे होने हैं। एग्जाम जी तो बेटे, यहाँ से पाया तो है। हाँ जी अरसलान, मेरी सुन ले बात अब। जी बेटे, तो इस फार्मूले के तहत हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो यही काम बेटे यहाँ पे हुआ है कि आप देख सकते हैं कि ये कॉस जो फर्स्ट टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर है, फिर उसके बाद उसकी पावर एक कम होगी और सेकंड वाली टर्म की पावर एक बढ़ गई, फिर नेक्स्ट एक और मजीद कम करके सेकंड की पावर और बढ़ा दी, एंड सो हम चलते जाने अपने लास्ट पे। फिर क्या होना है कि सेकंड टर्म की पावर मैक्सिमम हो जानी और फर्स्ट टर्म की पावर जीरो हो जानी, और इसकी कॉम्बिनेशन जो है डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे। और सेकंड ये है कि आप वो जो ट्राइंगल है उसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं, वो जो वन और वन लिख के और उसी तरह फिर हम वन साइड पे करके और इन दोनों का सम टू और फिर साइड पे वन एंड सो ऑन चलते जाते हैं। उसके तहत भी बेटे आप इसके कॉफिशेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने कॉफिशेंट फाइंड आउट करने के बाद क्या किया कि आपने कंपेरिजन की है, यानी रियल कंपोनेंट अलहदा करके रियल और इमेजनरी, आफ्टर देन आपने उनका कंपेरिजन किया है। जैसे अगर आप इसमें देखें राइट हैंड साइड में, तो ये आपका रियल कंपोनेंट था जो विदाउट आयोटा था बेटे, और ये आपका इमेजिनरी कंपोनेंट है। इसी तरह लेफ्ट पे भी रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट है, इनका कंपेरिजन करें तो वहाँ से कॉस 5 थीटा की वैल्यू, साइन 5 थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंड आफ्टर देन ये जो कॉस 5 थीटा है क्वेश्चन के अंदर जो है वो राइट साइड टोटली कॉस की फॉर्म में थी बेटे, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे साइन आ रहा था, उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है। फार्मूला आपको आता है साइन स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर करें और साइन स्क्वेयर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और ऊपर वाला स्क्वेयर जो है उसको बाद में एक्सपेंड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें बेटे, आपके पास फर्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो सेकेंड है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है बेटे, जो साइन 5 थीटा है उसकी राइट हैंड साइड आप क्वेश्चन में देखें ना, तो वो इन टर्म ऑफ साइन ही है। इसका मतलब ये हुआ फिर अगर कहीं पे कॉस आ भी रहा है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूले के तहत आप उसको चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के साथ, सिंप्लीफाई कर दें बेटे, उसका आंसर आ जाएगा। जब साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बेटे, तो फिर टेन 5 थीटा वहां से कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं होता। जस्ट आप क्या करेंगे उसमें कि जहाँ जहाँ पे साइन 5 थीटा है उसकी वैल्यू लिखें, कॉस 5 थीटा की जगह पे बेटे उसकी वैल्यू लिखें, एंड आफ्टर देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि टेन फाइव थीटा जो था उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ टेन थी, तो इट मीन्स हमें इनको टेन की फॉर्म में चेंज करना है। तो आप देखें हाईएस्ट वैल्यू साइन की 5 में आ रही है, साइन 5 थीटा है रेस टू पावर, तो आप भी cos^5 से इसको डिवाइड कर दें, ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन के बाद जो है वो सारे के सारे टर्म्स टेन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये इसका बेटे फर्स्ट क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का। नेक्स्ट वन जो था हमारे पास उसको मैं शो करता हूँ बेटे।
जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बिल्कुल उसी तरह ही, साइन 3 थीटा है, कॉस 3 थीटा है, इट मीन इस दफ़ा हम पावर 5 की जगह पे 3 ले लेंगे, साइन 4 थीटा है, कॉस 4 थीटा है, और इसकी बारी हम पावर 4 ले लेंगे, और लास्ट वाला जो है वो साइन 5 थीटा ओवर साइन थीटा है। अब साइन 5 थीटा तो ऑलरेडी आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अभी प्रीवियस में हमने कैलकुलेट किया था बेटे, वही जो साइन 5 थीटा आपके पास आया था जिसको आपने अभी आगे ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, जो साइन था उसको वैसे रखा था, तो नीचे आप उसमें साइन को डिवाइड कर दें बेटे, जस्ट वही सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो प्रीवियस में आपने किया। 14 क्वेश्चन था कि जी टेन 6 थीटा है और राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आपने इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब टेन 6 से हमें अंदाजा होता है कि हमने पावर 6 लेनी है, एक चीज, और दूसरी चीज बेटे कि लास्ट पे जब वो जहां जहां पे टेन बनेगा हम उसकी जगह पे टी लिख देंगे और हमें वहां से अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको बेटे देखें, ये वो क्वेश्चन है, क्योंकि टेन 6 थीटा था बेटे, उसी तरह कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 ले लें और लेफ्ट साइड पे डिमोवर थ्योरम लगा के बेटे वो पावर जो है वो एंगल के साथ शिफ्ट कर दें, एंड आफ्टर देन राइट साइड को जिसमें पावर 6 लिखी हुई बाइनोमियल थ्योरम के तहत इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट सेपरेट करें, तो ये आपके पास बेटे cos 6 थीटा, ये sin 6 थीटा, एंड आफ्टर देन tan 6 फाइंड आउट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दें बेटे। डिवाइड करने के बाद इसमें देखें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 6 पावर आ रही है, अगर गौर किया जाए तो आप भी cos 6 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, दोनों को हम cos 6 से बेटे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये टोटल जो है तमाम इसकी टर्म्स जो है बेटे वो tan में ट्रांसफॉर्म होंगी, और फिर ऊपर वाले फैक्टर में से अगर आप देखें तो टेन 2 tan कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाल लें बेटे। अब जो गिवन एक इसका फीचर था कि tan थीटा इज इक्वल टू टी है, तो आप हर tan की जगह पे बेटे टी पुट कर दें। ये आपका प्रीवियस लेक्चर था, और मेरा नहीं ख्याल बेटे कि ये कोई मुश्किल था, समझ ना आने वाली चीज़ थी, फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो बेटे आप बोले शाबाश। एनीवन जी बेटे क्लियर है सबको ये? जी सर क्लियर सर। सर मिड, सर मिड के बारे में पूछना था कि कोई फाइनल कुछ पता चला और हमारा मिड का सिलेबस क्या होगा? फातिमा बेटे और मिड के सर एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे या असाइनमेंट्स मिलेंगे? ठीक हो गया फातिमा बेटे, पहली बात तो ये है कि आज के लेक्चर में हम मिड की तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात बेटे ये है कि आपका माशाल्लाह पांचवा सेमेस्टर और आपको ऑलरेडी पता है कि मिड तक जितना पढ़ा जाए उसमें से मिड आता है। और तीसरी बात जो आपने पूछी है कि पेपर किस तरह से होने बेटे, ये मुझे भी नहीं पता, ये तो ऑन द स्पॉट हमें पता चलेगा कि क्या करना है, जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे बेटे उसके मुताबिक हम करेंगे। हाँ आपका जो काम है, आपका काम बेटे ये है कि आपने अभी से ही इस पूरे जो कोर्स है जितना हम पढ़ चुके हैं जितना आगे पढ़ते जा रहे हैं इनको तैयार रखना है, क्योंकि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं बेटे। पिछली दफ़ा जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था बेटे तो किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होना है और ये कहाँ तक जाएगा। जैसे ही वो लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा लेंथी हुआ, पेपर आ गए, तो फिर उस वक्त किसी के पास भी कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि पेपर कैसे लेना है, लेकिन जब तक फाइनल आने से तब तक यूनिवर्सिटी ने अरेंजमेंट कर ली हुई थी कि ये पेपर किस तरह से लेने हैं। अब बेटे यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के पास दोनों ऑप्शन है, अब वो पेपर ले भी सकती है क्योंकि उसके पास वो पूरा सिस्टम है, वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है फाइनल में, और मेरे ख्याल में 90% यही होगा कि वो पेपर लेंगे अगर लॉकडाउन रहता भी है। लेकिन अगर वो डिसाइड कर लें कि जिस तरह से हमने प्रीवियसली इसको मैनेज किया था उस तरह से करने हैं, तो फिर भी बेटे हम इतराज़ तो नहीं कर सकते, ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। क्लियर है बेटे? इसलिए आप ना रिलैक्स नहीं होना, मतलब ये नहीं समझना कि ये हो ही नहीं सकता कि पेपर ना हो, ये माइंड में रखें कि पहले उनके पास सिस्टम नहीं था इसलिए बचत होगी हमारी भी और आपकी भी, लेकिन अब उनके पास वो सिस्टम ऑलरेडी है, वो प्रैक्टिकल कर चुके हैं और मेरे ख्याल में वो पेपर लेंगे बेटे, बिल्कुल लेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहें इसके बारे में।
जी और बेटे कोई इससे जो पिछला लेक्चर था वो भी बिल्कुल इसी तरह सा था, सिर्फ इसमें और उसमें इतना फर्क था कि इसमें हम cos थीटा और प्लस iota sin थीटा लेते थे, वहां पे हम a प्लस iota बीटा की iota b की फॉर्म में जो है वो पावर को ओपन करते थे, यानी वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं यूज करते थे, जस्ट हम सिंपली जो है वो a प्लस iota b या x प्लस iota y की पावर को ओपन करके हम उसको आगे ले जाते थे और एंड पे जाके उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, और यही सारा प्रोसेस था। इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम था, इसी तरह सारी चीजें थी, पास्कल ट्राइंगल भी इसी तरह ही थी, कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करने जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किए बेटे वैसे वहां पे करने। और कोई बात बेटे, पिछले को दो तीन लेक्चर में किसी ने मतलब दिल जमी के साथ पढ़ा हो और उसने कोई पॉइंट नोट किया हो कि सर फलां लेक्चर में फलां जगह पे ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ? जी बेटे एनीवन, किसी के पास कोई ऐसा पॉइंट हो जो उसको प्रीवियस लेक्चर्स में समझ नहीं आया जो वो क्लियर करना चाहते? जी बेटे ओके है सब कुछ? कहीं गायब तो नहीं हो गए सारे के सारे ऑन करके, बोल ही नहीं रहा कोई बंदा? जी सर सर ठीक है सब। अच्छा अच्छा ओके। ये सहर नवाज 525, बेटे आप सुन रहे हैं मुझे? मोहम्मद जुनेद साहब 516 रो नंबर, बेटे आप सुन रहे हैं मुझे? सीरत अर्शद, लास्ट सर को यस और नो में आंसर तो दें। जी सर आ रही है आपकी आवाज। क्या रोल नंबर बच्चे आपका? सीरत। ओके ओके 527। अरसलान साहब आप तो यकीनन एक्टिव ही होंगे, 564। जी जी सर जी। ओके बेटे ओके, वेरी गुड वेरी गुड। असल में क्लास को थोड़ा सा जगा लेना, फिर आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। उस्मान साहब 553, मोहम्मद उस्मान 568, इकरा सर 553 सर, माइक नहीं था ऑन हो रहा। ये 516 बड़ा लेट प्रेजेंट हुआ है बच्चे जी। ओके हो गया। अच्छा सर 25 भी प्रेजेंट है। ये अभी हुए ना बेटे? सर नहीं मैं पहले भी थी। तब मैं बोल रहा था तब तो कोई भी नहीं बोल रहा था, अपनी अपनी मसरूफियात में सब लोग जो थे वो बिजी थे। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुननी है बेटे। अभी मैं लेक्चर अपलोड करने लगा हूँ, वो बल्कि कर दिया हुआ है, जस्ट मैंने उसको पब्लिक करना है तो वो मैसेज आपके पास पहुंच जाना है। आप लोगों ने जो है ना उसको गौर से सुनना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वो है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का, 15 या 16 मिनट का होना है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और उनमें आपने पॉइंट नोट करने हैं जो आपको समझना है। दो वीक मजीद जो है वो मेरा आपका साथ थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आपको लेक्चर बैठे वो मिलते रहेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी सी एक मसरूफियत है PhD के लिहाज से। लेकिन वीक में 3 लेक्चर आपको मैं जो है ना वो ज़रूर डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह।
उसमें आपने फेवर ये देनी है कि जो क्लास का टाइम होगा उससे पहले मैं लेक्चर अपलोड करूंगा और आप उस टाइम में सभी लोग जो हैं उस लेक्चर को गौर से सुनेंगे और उसमें जो जो पॉइंट आपको मतलब डिफिकल्ट लगेंगे आप नोट करेंगे और हम जो है वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि दो लेक्चर के बाद जो तीसरा लेक्चर हो हम उन दोनों को प्रीवियस वालों को थोड़ा सा डिस्कस कर लें और साथ थोड़ा सा आगे पढ़ लिए करें। यानी दो लेक्चर आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड कर दूंगा और तीसरे लेक्चर में हम उन दोनों को भी डिस्कस करेंगे और तीसरा आगे भी काम करेंगे। ये 2 वीक आपने मुझे फेवर देनी है और ये हरगज़ नहीं करना कि मतलब अगर मैंने लेक्चर इधर से अपलोड किया और आप जनाब अगले किसी टीचर से रबते में हो कि सर हमारा तो ये लेक्चर फ्री है और आप 2 से 3 वाली क्लास ले लें और इस तरह का अगर मुझे पता चल गया बेटे तो फिर जिसने ये किया होना है फिर उसके साथ क्या होना है अरसलान अच्छी तरह जानता है क्योंकि ये सीआर है। क्यों भी अरसलान? जी सर जी, हमारी जिम्मेदारी आपके सर पे आती है ऐसे ही है। जी सर। ओके ओके बेटे, ठीक है बेटे, मैं अभी आप लोगों को वो लेक्चर जो है वो पब्लिक करता हूँ जस्ट विद इन 2 मिनट, तो आप लोग उसको बैठ के सुनो, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।